डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद अब अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। स्थानीय निकाय की निदेशक नेहा शर्मा जी हैं जो आज निरीक्षण करने निकली हैं। मैम, आज आप यहां पर निरीक्षण करने निकली हैं, काफ़ी ये डेंगू प्रभावित इलाका भी माना जा रहा है क्योंकि कई डेंगू के मरीज निकले हैं, तो यहाँ पर क्या आपने देखा और क्या निर्देश दिए? देखिए, देखा जाए तो लखनऊ में स्पेसिफिकली हम 1200 प्लस कुछ डेंगू के मरीज़ जो हैं अभी आज की डेट तक आइडेंटिफाइड हैं, और निश्चित तौर पे कुछ हाई रिस्क जोन्स और हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पर प्रिवेंटिव कार्रवाई जो है वो नगर विकास विभाग इंश्योर कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, मंत्री जी हमारे नगर विकास के भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी लेकर उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं, और उसी के क्रम में वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर ये इंश्योर कर रहे हैं और थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि जिस प्रकार से जो हमारी माइक्रो प्लानिंग हुई है, जो रोस्टर्स बने हुए हैं, उसके मुताबिक फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो इंश्योर हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो एक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक हम लोग डिसाइफर करते हैं। जहाँ पर कमियाँ हैं उसमें कड़े निर्देश भी दिए जाते हैं, कहीं पर शिथिलता है तो वहाँ कार्रवाइयाँ भी इंश्योर हो रही हैं। मैम, देखा जाता है फॉगिंग तो करा दी जाती है, लेकिन जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं गलियों तक नहीं पहुँच पा रही, बहुत ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं, इसको लेकर आपने क्या कोई निर्देश दिए? देखिए, बड़ी मशीन्स जो हैं वो ब्रॉड रोड्स पर कार्रवाई करती हैं, लेकिन अपने पास में साइकिल माउंटेड और हैंडहेल्ड मशीन्स भी हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक साइंटिफिक प्लानिंग की तरफ रुझान किया है, क्योंकि ऐसे हॉटस्पॉट्स निश्चित तौर पे जो सक्रिय गलियां हैं वहां इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है कि उन गलियों तक पहुंचा जाए, क्योंकि वहां रहने वाला व्यक्ति भी समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति है, और उसकी जो उसके लिए जो राहत कार्य है वो हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि उसको इंश्योर किया जाए। तो निश्चित तौर पे साइकिल माउंटेड मशीन्स के थ्रू, और आज हम कुछ ऐसी गलियों में जाकर फीडबैक भी लेंगे कि जो माइक्रो प्लान बना हुआ है उसके अनुरूप कार्रवाइयाँ हों। मैम, लखनऊ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी डेंगू काफ़ी फैला हुआ है, लोगों की जान जा रही है, तो प्रदेश में क्या इस किस तरह से आप लोग मॉनिटर कर रही हैं और क्या कोई कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, एक डेडिकेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर नगर विकास विभाग के द्वारा निदेशालय स्तर पर संचालित है। रोज़ सुबह 5 बजे से 8-8:30 बजे तक सुबह हम लोग वरिष्ठ अधिकारी उसमें जुड़ते हैं, माननीय मंत्री जी भी, नगर विकास मंत्री जी भी काफ़ी बार उसमें जुड़कर उसमें एक आकलन करते हैं कि ऐसी गलियों को हम लोग सीधे तौर पे मॉनिटर कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। विशेष निर्देश यही है कि जो मच्छर जनित एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी का जल जमाव है उस पर विशेष दृष्टि हो, और नगर विकास विभाग का जो कार्य है उसको बहुत ही सुचारू रूप से किया जाए, पूरी ईमानदारी के साथ में उसको क्रियान्वित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी भी कई सारे इसमें लगाए गए हैं जो मौके पे जाकर, जैसे आज मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं वाराणसी भी जाऊँगी, इसी प्रकार से कई वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और हम लोग एक आकलन करके सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे साथ बात कर रही थी नेहा शर्मा जो स्थानीय निकाय के निदेशक हैं, आज वो अलीगंज के कपूरथला इलाके में निरीक्षण करने पहुंची हैं। ये डेंगू प्रभावित इलाका है, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो डेंगू से ग्रसित हैं, कई लोगों की जान भी गई है। नेहा शर्मा का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया, उससे निगरानी की जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गलियों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। अब देखना ये होगा, जिस तरह से अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, कैसे ये पूरी योजना जमीनी स्तर पर उतरती है। कैमरा पर्सन अमीश मिश्रा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार।